छत्तीसगढ़ की राजनीति में काफी ज्यादा बदलाव आ चुका है और ये बदलाव का मुख्य कारण टीएस सिंहदेव जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका एलिवेशन है, उनको डिप्टी सीएम का दर्जा देना है। इनफैक्ट ये जो बहुत बड़ा डिसीजन आया है ये क्यों आया और इलेक्शन असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं छत्तीसगढ़ में कुछ 4 महीने बाद ही, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ये डिसीजन क्यों लिया गया, इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सुनील कुमार जी जो इमरजेंसी के जमाने से पत्रकार रहे हैं, उनको पत्रकारिता में 45 साल से ज्यादा हो चुके हैं और वो छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक हैं। आज हमारे साथ ये जुड़े हैं और आप सभी का स्वागत मैं करती हूँ हमारे पहले एपिसोड में छत्तीसगढ़ राउंड अप के। और आज हम बात करेंगे कि इस बाबा को क्यों अचानक एलिवेट कर दिया गया, इसके मायने क्या है, क्या वजह रही होगी कांग्रेस हाईकमान की ये डिसीजन लेने के पीछे। सर आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे पहले अतिथि हैं छत्तीसगढ़ राउंड अप के पहले एपिसोड के। थैंक यू सर। कैसा आपको, आप पहले सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको ये डिसीजन अचानक से जो आया इसके बारे में आपको कैसा महसूस हो रहा है कि अचानक से असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, पूरा माहौल बन गया है छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस को लेकर, अचानक से हाईकमान ने ये बॉम्ब ड्रॉप किया और उन्होंने कहा कि हम डिप्टी सीएम बना देंगे टीएस सिंहदेव को जो ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टर थे लेकिन पंचायत मिनिस्टर से उन्होंने 1 साल पहले ही रेजिग्नेशन दिया था। बहुत खींचातानी चल रही थी सीएम और टीएस बाबा के बीच में, अचानक से डिसीजन के पीछे आपको क्या लगता है सबसे मुख्य कारण क्या होगा? देखिए आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी जगहों पे, डेवलप्ड कंट्रीज में जहां जंगल में आग लगी रहती है वहां ऊपर से पानी डालते हैं, केमिकल डालते हैं हेलीकॉप्टर से, उसको बॉम्ब ड्रॉपिंग नहीं कहते हैं। तो कांग्रेस ने ये किया है, ये किसी तरह से बॉम्ब नहीं गिराया है, इन्होंने बॉम्ब के इफेक्ट न हो जाए, बॉम्ब फूट न जाए, इसलिए इन्होंने एक किस्म से अमन चैन पार्टी के भीतर कायम करने के लिए फैसला लिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास है, बहुत सारे स्टेट्स में चुनाव के 2-4-6 महीने पहले ये इस तरह से करते रहे हैं, कहीं किसी को हटा देते हैं, कहीं किसी को बना देते हैं। तो ये लास्ट मिनट की फायर फाइटिंग इसके आदि हैं ये लोग, इनका पार्टी का कल्चर ऐसा है, ये एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि टीएस सिंहदेव को लेके एक जो अनिश्चितता बनी हुई थी कि वो पार्टी छोड़ सकते हैं, वो अपने घर बैठ सकते हैं, उन्होंने बार बार ऐसे बयान दिए थे कि हो सकता है मैं चुनाव न लड़ूं, अभी मैंने तय नहीं किया है कि मैं अगला चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। एक चर्चा ये आती थी कि उनके भतीजे जो हैं वो भाजपा के टिकट पे लड़ सकते हैं, जो कि अभी भी लड़ सकते हैं, अभी कुछ रोकता नहीं है, एक कुनबे में 2 पार्टियों में तो लोग रहते आए हैं, उसमें बहुत कुछ अटपटा नहीं है। लेकिन टीएस सिंहदेव का जो मामला था वो सरगुजा में पिछले चुनाव में 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी जो कि टीएस सिंहदेव का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, उसमें अगर टीएस सिंहदेव घर ही बैठ जाएं, कांग्रेस न छोड़ें, प्रचार भाजपा का न करें, भाजपा में न जाएं, सिर्फ घर ही बैठ जाएं, तो कांग्रेस वो 14 सीटों में से 4 भी शायद गिन पाए न गिन पाए, ऐसा एक सवाल खड़ा हो रहा था। तो कांग्रेस पार्टी की ये मजबूरी थी कि टीएस सिंहदेव को कैसे शांत किया जाए। तो टीएस सिंहदेव की शांति होना तो था जब 2.5 साल सरकार के पूरे हुए थे और जब ये चर्चा थी कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच 2.5-2.5 साल का एक समझौता हुआ था शुरू में, ये कहीं लिखित में सामने नहीं आया लेकिन ये चर्चा में हमेशा था। जो लोग दिल्ली की ऐसी बैठकों में शामिल थे उनका भी मानना था कि ऐसी बात हुई थी, राहुल गांधी के सामने ऐसी बात हुई थी और इन दोनों नेताओं के बीच में ये तय हुआ था, ये राहुल गांधी ने तय नहीं करवाया था, इनके बीच तय हुआ था। तो टीएस सिंहदेव 2.5 साल पूरा होते ही सार्वजनिक रूप से लग गए थे कि अब मेरी बारी आई है, अब मुझको मौका दिया जाए, 2.5 साल पूरा हो गया है। उन्होंने खुल के अभियान चलाया, महीनों तक चलाया और वो शायद उस अभियान को भी अब 2 साल पूरे हो रहे हैं। तो आखिरी के अभी अक्टूबर से तो आचार संहिता लग जाएगी यहाँ पर, उसके पहले ये 3 महीने का समय है। तो टीएस सिंहदेव का ये डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप के साथ में ये 100-day हनीमून है टोटल। इस इलेवेशन से उनको क्या हासिल हुआ है इसको वो जाने, उनका चेहरा तो खुश दिख रहा है, उनके समर्थक ढोल नगाड़ा बजा रहे थे सरगुजा में, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति 2.5 साल मुख्यमंत्री रहना चाहता था वो 100 दिन का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के अगर आज खुश हो गया है तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये उनको झुंझुना थमा दिया है और वो खुश हो रहे हैं। मैं नहीं जानता कि वो झुंझुना है
नहीं है, उनको कितना महत्व मिला है, कितना इम्पोर्टेंट उनके लिए है, लेकिन उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि वो अब संतुष्ट हैं, उनको कोई शिकायत अब नहीं रह गई है बाकी कार्यकाल के लिए, ऐसा लग रहा है मुझको। सर मेरा यही अगला सवाल है, आपको आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं टीएस सिंहदेव को ये पोस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उनके एस्पिरेशंस जो थे, उनके महत्वाकांक्षाएं जो थे, 2.5 साल जैसा कि आपने कहा सीएम बनने के थे, और बिल्कुल 100 दिन के लिए डिप्टी सीएम बना के उनको शांत कर देना, कहीं ना कहीं अपने आप में आपको लगता है एक बड़ा वादा किया गया होगा उन्हें बैकग्राउंड में, जो अभी सामने नहीं लाया जा रहा है। ऐसा तो मुझको नहीं लगता है, कांग्रेस पार्टी इज नॉट नोन फॉर कि इतना लंबे समय का कोई वायदा करे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, एक रायपुर में एक बड़े नेता अभी आए, मैंने उनसे इंटरव्यू का समय मांगा, अखबार नवीस हूँ तो समय मैंने मांगा, उनका बाद में फोन आया कि आप आ जाएं तो 10 मिनट बात हो जाएगी। मैंने कहा मैं 10 मिनट की बाइट लेने के लिए आने वाला जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं 45 मिनट का इंटरव्यू करता हूँ, उससे कम में मेरा पेट नहीं भरता। बाबा का पेट 100 दिन में कैसे भर गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के कैसे भर गया, इसको बाबा जाने। उनकी भूख क्या थी, उनका टेस्ट क्या था खाने का, उनका एपेटाइट क्या है, कांग्रेस पार्टी ने उनको ऐसा क्या ऑफर किया, ऐसा क्या कन्विंस किया, या मुझको ये भी लगता है कि ये ऑफर जो है उनके पास में ये मुंबई लोकल की रात की आखिरी ट्रेन जैसा था कि अगर लेना है तो इसको अभी ले लो, नहीं तो इसके बाद हम आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे, ऐसा मुझको लगता है। मुझको लगता है बाबा ने शायद ये रियलाइज किया कि इसके बाद उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, कोई मौका नहीं रहेगा, ऐसा मुझको लगता है। मुझको ये बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आगे के लिए कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पार्टी ने किया होगा। विधानसभा चुनाव कमिटमेंट के हिसाब से बहुत दूर है, नतीजे और भी दूर हैं, उस वक्त क्या होगा कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। सर कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि ईडी जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में आके बैठ चुकी है, अक्टूबर के जमाने से, पिछले बार अगर हम बात करें अक्टूबर 2022 से ईडी यहां पर मौजूद है, लगातार स्कैम्स अनर्थ किए जा रहे हैं, एविडेंसेस निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घेराव जो सीएम का करने की कोशिश की जा रही है ईडी के थ्रू बहुत केसेस के जरिए, उनके बेटे पे भी थोड़ा सा जो चीज है वो जाती हुई नजर आ रही है, एक निशाना जाते हुए नजर आ रहा है। तो आपको लगता है कांग्रेस का एक हाईकमांड का एक माइंडसेट होगा कि अगर आगे कुछ ऊंच नीच होती है, कहीं ना कहीं अगर ईडी बहुत स्टबर्न होके सीएम के पीछे और पड़ जाते हैं, तो एक बैकअप प्लान की तरह हमारे पास एक फेस ऑलरेडी तैयार होगा टीएस बाबा के रूप में, टीएस सिंहदेव के रूप में? देखिए मैं तो अपने छोटे से दफ्तर में 2-3 हार्ड डिस्क रखता हूँ जिसपे मैं बैकअप रखता हूँ। आप भी अपनी इम्पोर्टेंट फाइल्स जो हैं उसको किसी हार्ड डिस्क में रखती होंगी, बैकअप रखती होंगी। ये कोई मूर्ख ही होगा, बहुत परले दर्जे का बेवकूफ होगा जो बैकअप प्लान को ना रखे। अब आप देखिए दूसरी बात, कल महाराष्ट्र में जो हुआ है, जिस तरह से अजीत पवार छोड़कर गए, अपने लोगों को लेके गए, 9 लोगों के साथ मंत्री बन गए वहां पे, किस लिए गए? मैं अभी महाराष्ट्र के एक बड़े अखबार के एडिटर को इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, उन्होंने मुझको ये कहा कि जो लोग गए उनमें से कई लोग तो ईडी आईटी इनके निशाने पे थे, इसलिए चले गए। एक दो लोग ऐसे भी गए जिनके खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही थी, वो क्यों गए उनको समझ नहीं आ रहा है। सवाल ये है कि अगर टीएस सिंहदेव के पार्टी छोड़ने के, बीजेपी में, आम आदमी पार्टी में जाने की अफवाहें चल रही थी, जो उन्होंने खुद ने भी कहा सरगुजा की पार्टी की सम्मेलन में कहा कि मुझको बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली के एक होटल में इनवाइट करके मुझसे बातें की थी, मैंने कह दिया था कि मैं बीजेपी में नहीं आऊंगा, लेकिन मैंने बातें की वहां जाके उनसे। तो सवाल यह है कि ईडी के घेरे में तो भूपेश बघेल के आसपास के लोग हैं, तो अगर ऐसे किसी ईडी के दबाव में कोई पार्टी छोड़कर जाए तो टीएस सिंहदेव क्यों जाते? टीएस सिंहदेव तो किसी जांच के घेरे में नहीं है अभी। तो मुझको लगता है कि ईडी का काम यहाँ अलग चल रहा है। यहाँ पे पॉलिटिकल दल बदल करवाने में ईडी का स्कोप मुझको नहीं दिख रहा है। ईडी का या आईटी का स्कोप कहाँ होता है, जहाँ पे उनके दबाव में, उनके जांच के घेरे में जो नेता हैं, उनको बीजेपी ले जाया जाए, ऐसा ही देखने में आया है सब जगह। तो छत्तीसगढ़ में वो स्थिति नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो जांच के घेरे में अगर भूपेश बघेल और उनके आसपास के लोग हैं, तो क्या बीजेपी का इतना बड़ा डाइजेशन है कि भूपेश बघेल को पचा सकेंगे? ये कल्पना से परे की चीज है। ये किसी क्राइम थ्रिलर के लायक भी नहीं है।
तो मुझको लगता है कि यहाँ ईडी का कोई भी रोल नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि क्या टीएस बाबा को एक बैकअप प्लान की तरह प्रमोट किया जा सकता है, यहाँ आपको छत्तीसगढ़ की एक पॉलिटिकल रियलिटी को देखना पड़ेगा। चुनाव के 6 महीने पहले चाहे किसी भी वजह से, चाहे भूपेश बघेल आज खुद होकर पार्टी छोड़ दें, वो ओबीसी के नेता हैं, ओबीसी की राजनीति करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि आचार संहिता के 100 दिन पहले अगर कोई ओबीसी चीफ मिनिस्टर किसी भी वजह से खुद हटे, हटना पड़े, हटाया जाए, तो क्या एक ठाकुर को यहाँ चीफ मिनिस्टर बना के पार्टी चुनाव लड़ सकती है? ये अकल्पनीय है। आज न केवल छत्तीसगढ़ में जहाँ पे कि ओबीसी तबका दावा करता है कि 50% उसकी आबादी है, और लोगों का कहना है 40-42% है। 40% आबादी भी अगर ओबीसी की यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक ठाकुर चीफ मिनिस्टर चुनाव के 3 महीने पहले लाके, और खासकर जिनका की एक रॉयल बैकग्राउंड रहा है, राज परिवार के रहे हैं, कोई पार्टी ऐसा नहीं कर सकती। तो बैकअप प्लान, इफ देर इज एनी, अगर कोई बैकअप प्लान है कांग्रेस का, जो आपने नहीं पूछा है, मैं उस पर टिप्पणी कर रहा हूँ, अगर कांग्रेस का कोई बैकअप प्लान है तो वो टीएस सिंहदेव नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ये बहुत जरूरी एक सवाल आपने आंसर कर दिया कि ये जो एक बैकअप प्लान के जरिए कई लोगों का कहना है कि एक फ्यूचर, एक विजन के साथ उन्होंने ये एलिवेशन किया है, तो ये गलत है। लेकिन अगर हम 2018 के इलेक्शंस देखें, तो ये जो पार्टनरशिप थी भूपेश बघेल की और टीएस सिंहदेव की, वो पार्टनरशिप बहुत बड़ा रीजन थी कांग्रेस को सत्ता काबिज करने के लिए। क्योंकि इसी पार्टनरशिप के जरिए हमने देखा कि मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इनका संगठन था कांग्रेस का, काफी ज्यादा सशक्त हो चुका था ग्राउंड पे, और उसका मेजर क्रेडिट टीएस बाबा को जाता है। और जो छत्तीसगढ़ सेंटिमेंट था, कहीं ना कहीं वो जो इन्वोक करने का काम किया था, वो भूपेश बघेल ने किया था। तो ये जो पार्टनरशिप है, इसका जादू चला, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है इस पार्टनरशिप के जादू के लिए और सरगुजा के 14 सीट्स के लिए भी ये मेन डिसीजन लिया गया है? क्योंकि इंटरनल सर्वेस जैसा बता रहे थे, सरगुजा कांग्रेस पूरी तरीके से हार रहा था, जो आपने पहले सवाल पे भी आपने कहा कि वो एक बड़ा रीजन हो सकता है। आपको लगता है कि पार्टनरशिप भी बहुत जरूरी है? देखिए, मैं एक तो आपको ये सुझाऊंगा कि आपने सवाल नहीं किया है, आपने एक स्टेटमेंट दिया है। जी, जी, जी। आपने ये तय कर दिया मेरे लिए कि पिछले बार चुनाव इन दोनों की पार्टनरशिप की वजह से जीती थी कांग्रेस। आपने मेरे लिए ये सोचने का स्कोप नहीं छोड़ा कि जो बीजेपी सरकार थी 15 साल की, उसकी एंटी इनकम्बेंसी जो थी, जो उससे लोगों की नाराजगी थी, उसकी वजह से हो सकता है कि वोटर्स ने बीजेपी को खारिज किया हो। तो आप मेरे लिए ये बोलने का स्कोप छोड़ नहीं रही हैं। आप इजाजत दें तो मैं आपके बयान से परे जाके बोलूं। बिल्कुल 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 बोलिए सर। देखिए, ऐसा है कि भूपेश और टीएस सिंहदेव की जो पार्टनरशिप थी, ये बड़ी एक मॉडल पार्टनरशिप थी चुनाव के पहले। जो मैनिफेस्टो जो आया था, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसके लिए टीएस सिंहदेव ने पूरे स्टेट का दौरा किया था, लोगों के साथ मीटिंग्स की थी। और जो मुझको जो याद पड़ता है, किसी भी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो उस वक्त सबसे ज्यादा मेहनत से तैयार किया गया था। देश के किसी भी विधानसभा चुनाव में उतनी मेहनत से मैनिफेस्टो नहीं बना था। ये एक अलग बात है कि उसकी एक मेजर बात को आज तक छुआ भी नहीं गया है, और अब अगले मैनिफेस्टो की बारी आ गई है, वो है शराबबंदी। लेकिन मैं उस पर ज्यादा अभी नहीं जा रहा हूँ। अब मैं इस पे जा रहा हूँ कि इन दोनों की पार्टनरशिप जो है वो इस चुनाव में जरूरी है, इसलिए भी टीएस बाबा को इलेवेट किया गया है क्या, ऐसा आपका सवाल है। मैं उस पर कह रहा हूँ कि शैलजा जो यहाँ की प्रभारी है, उन्होंने करीब 1 महीने पहले सीएम हाउस में एक बैठक लेके इन चारों नेताओं को, जो पिछली बार चीफ मिनिस्टरशिप की कंसिडरेशन जोन में थे, उन चारों नेताओं की एक बैठक ली थी। उसमें 2-3 और लोग भी थे। उसमें प्रदेश के अकेले मुस्लिम विधायक और मिनिस्टर अकबर भी थे, एक दलित मिनिस्टर शिव डहरिया भी थे। तो ऐसा सबको साथ रखा गया था। मोहन मरकाम आदिवासी थे, वो भी इस मीटिंग में थे। किसी तबके को छोड़ दिया गया हो, ऐसा नहीं था। उस मीटिंग में शैलजा ने यह स्टाफ किया था कि आप सारे लोगों को सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मंचों पे अधिक से अधिक सामने दिखना है, साथ में दिखना है। उन्होंने क्लियर किया था। उन्होंने कहा था कि अलग अलग आप राजनीति करके ये नहीं जीत सकते चुनाव, सबको साथ में दिखना ही है, एक साथ होके चलना है, एकजुट होके चलना है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के मामले में वही किया है, दिल्ली में, यहाँ के बारे में किया है, अब राजस्थान में ऐसे ही किसी फार्मूले में जुटी हुई है। जी, जी, जी। तो ये कांग्रेस की चुनाव के पहले की, 6 महीने पहले की एक तैयारी है, जिसको तीनों राज्यों में
कर्नाटक निपट चुका है, अब इन तीन राज्यों में इन्होंने तेलंगाना के नेताओं को भी बुला के दिल्ली में अभी यही समझाया है कि अलग अलग काम नहीं चलेगा, एकजुट होके काम करो और दिखना है एकजुट। तो छत्तीसगढ़ में एकजुटता के लिए जरूरी था कि बाबा ने 5.5 साल का सीएम न बनाने पर नाराजगी में जो एक विभाग छोड़ दिया था, जी बिल्कुल, हाँ। अपना वजन खुद ही कम कर दिया था, जी, जी। तो बाबा का वजन कुछ बढ़ाया जाए, हाँ, हाँ। तो वजन कैसे बढ़ा सकते हैं, हाँ। अब एक और विभाग लेने में उनकी दिलचस्पी है और उतने में वो संतुष्ट हो जाएं ऐसा मुझको नहीं लग रहा था। हालांकि वो इतने में भी संतुष्ट हो जाएंगे डिप्टी में, ये भी मुझको नहीं लग रहा था। मैं आपको बतलाता हूँ, मैं उनकी जगह रहता तो क्या करता ये बोलने का औचित्य नहीं है, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं हूँ और वो एक अखबार नवीस नहीं है, तो हम दोनों अलग अलग किस्म के जूते पहने हुए हैं, ठीक है। लेकिन टीएस बाबा और भूपेश बघेल को एक साथ लेके आना, ये कांग्रेस पार्टी की एक कामयाबी है, मैं आपको बताता हूं। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, टीएस बाबा को बहुत कम देकर कांग्रेस ने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। जैसे कोई पंडित रहता है ना, आपके घर पूजा करने आएगा तो राहु केतु शांत कर देगा, एक पत्थर पहनाकर, एक कोई पूजा करके, हवन करके आपके राहु केतु शांत कर दिए। मैं बाबा को राहु केतु नहीं कह रहा हूं, लेकिन गुटबाजी राहु केतु थी कांग्रेस में। कांग्रेस पार्टी ने एक छोटा सा हवन करके, छोटी सी दक्षिणा देकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस से गुटबाजी के राहु केतु को शांत कर दिया है। ये मैं दिल्ली कांग्रेस की, राष्ट्रीय कांग्रेस की बड़ी कामयाबी मानता हूँ। मेरा अगला सवाल भी यही है कि आपने ऑलरेडी कह दिया है कि ये हाईकमांड का, एआईसीसी के हाईकमांड का मास्टर स्ट्रोक रहा, हाँ। कांग्रेस के बिल्कुल, इस पूरे समीकरण को डिसाइड करने में। सर आपको क्या लगता है अब कितना माहौल बदल जाएगा, क्योंकि ग्राउंड पे हम जैसे कि देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत सेंटिमेंट बदला है, आप क्या महसूस कर रहे हैं ग्राउंड पे क्या बदला है और कांग्रेस के लिए आने वाले इलेक्शन में क्या बदल जाएगा, ये मेरा आखिरी सवाल है। ग्राउंड पे बदलने के बारे में मैं अभी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो हुआ है, हाँ। ये अभी अखबारों में सुर्खियां तो बन रहा है, ये टीवी पे एक बुलेटिन में एक जगह भी पा रहा है, हाँ। लेकिन मैं इसको मानता हूँ इट इज टू लेट एंड टू लिटिल। इसलिए मेरा ये मानना है कि इससे जमीन पे बहुत बड़ा फर्क सरगुजा के बाहर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक, हाँ। लेकिन सरगुजा में किसी भी नुकसान को कांग्रेस ने रोक दिया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बाबा से किसी दूसरी पार्टी को जो मदद मिल सकती हो उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया है, दूसरी बात। तो इतना तो फायदा ग्राउंड पर दिख रहा है 14 सीटों पर। इन 14 सीटों के बाहर मुझको बाबा का कोई बहुत बड़ा ग्राउंड पर प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन कांग्रेस एक हुई है ये लोगों को लगेगा, कांग्रेस को एक किया गया है ये लगेगा। कांग्रेस हाईकमान का दबदबा अभी भी कायम है कि भूपेश बघेल को ये मंजूर करना पड़ा कि उनके साथ एक डिप्टी सीएम रहे, बिल्कुल, ये कांग्रेस हाईकमान की ताकत बतला रहा है। टीएस बाबा किसी भी बगावत से परे अगर इस बात पे तैयार हुए हैं कि डिप्टी सीएम बन के वो शांत हो जाएंगे, तो ये भी कांग्रेस हाईकमान की ताकत बता रहा है। मुझको ये लग रहा है कि इसका छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाईकमान की जो कामयाबी है, इसका यहाँ की ग्राउंड रियलिटी से अधिक मध्य प्रदेश और राजस्थान और तेलंगाना की ग्राउंड रियलिटी पे असर दिखेगा। जहां कांग्रेस में भारी डिवीजन है वहां पे असर इसका ज्यादा दिखेगा। सर मैं बोनस क्वेश्चन पूछने नहीं वाली थी, लेकिन आपने वो राजस्थान का जो पॉइंट लाया सर, अब तो बनता है बोनस क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ का जो समीकरण बदल गया है, जो पॉलिटिक्स राजनीति में बदलाव आया है, उसके जो परछाइयां हैं वो छत्तीसगढ़ में पड़ने के साथ साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी पड़ेंगे। हाँ। अब आपको लगता है राजस्थान नेक्स्ट सचिन पायलट जी के, अब वहां पे भी जो गुटबाजी है राहु केतु वहां, हाँ। के अब वहां के राहु केतु को शांत, हाँ। करने का भिड़ चुकी है अब कांग्रेस। देखिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ हफ्ते पहले सचिन पायलट और गहलोत को बैठाकर इनको शांत किया। सचिन पायलट सड़कों पे थे, बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने पूरे राजस्थान में छेड़ दिया था, जन आंदोलन बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद वो शांत हो गए। उन्होंने भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार सबके मुद्दे छोड़ दिए और शांत हो गए। मैं बतलाता हूं आपको कि कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस अध्यक्ष की हैसियत से मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक फुल टाइमर जो वहां बैठा है उस फुल टाइमर का फर्क पड़ रहा है। जो राहुल गांधी या सोनिया गांधी पूरा वक्त नहीं देते थे, अब एक फुल टाइमर बैठा है, ये उसका असर है कि चीजें सॉर्ट आउट हो रही हैं। गांधी परिवार तो वहीं पे था जो अभी भी है, लेकिन
तेलंगाना में एक ऐसा ही विवाद चल रहा है कांग्रेस के भीतर। जी जी जी। वहां दूसरी पार्टी से आया हुआ एक नौजवान उसको अध्यक्ष बनाया है कांग्रेस ने, और वहां पे पुराने कांग्रेस नेता जो हैं वो नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं। वहां भी कांग्रेस ने बुला के अभी उनको शांत करने की कोशिश की है। हाँ। तो मुझको लगता है कि खड़गे, ये उनके लिए बोलना सही नहीं होगा, लेकिन खड़गे एक पेशेवर पंडित की तरह गृह शांति में लगे हैं। 2-3-4 राज्य वो कर रहे हैं एक साथ, और डिप्टी का जो फार्मूला है अगर आपको याद होगा तो कर्नाटक से शुरू हुआ। अभी कर्नाटक में जहां दो कंटेंडर, दो प्रतिद्वंदी बहुत मजबूत थे, उन दोनों को बैठा के वहां जिस तरह से सुलझाया गया ये अकल्पनीय था। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि इनमें से कोई एक निकल के आएगा और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। वो छींका नहीं टूटा, बिल्ली नीचे बैठ के देखती रही, छींका नहीं टूटा। वो मॉडल जो है कर्नाटक का छत्तीसगढ़ में आज काम आया। हाँ। और मैं आपको कह सकता हूँ छत्तीसगढ़ की गृह शांति का मॉडल जो है ये राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश, इन तीनों जगह काम आएगा, क्योंकि यहाँ के संतुष्ट असंतुष्ट नेताओं को ये समझ आ जाएगा कि कांग्रेस हाईकमान ताकतवर है। पूरे देश में भूपेश बघेल से ताकतवर कांग्रेस चीफ मिनिस्टर कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। आप भी जानती हो इस बात को। अगर उनको कांग्रेस पार्टी ने इस बात के लिए तैयार किया कि आपको 100 दिन के लिए एक डिप्टी को झेल लो, और वो तैयार हो गए, उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, गुलदस्ता ले लिया टीएस सिंहदेव से। हालांकि वो तस्वीर आप देखेंगी तो उस तस्वीर में शैलजा और टीएस मुस्कुरा रहे हैं, भूपेश के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। पता नहीं आपने इतनी बारीकी से फोटो देखी है कि नहीं। मैं पेशेवर फोटोग्राफर रहा हूं तो मैं देखता हूं। तो लेकिन मेरा ये मानना है कांग्रेस ने ये जो हासिल किया है इसका ग्राउंड पे असर छत्तीसगढ़ में कम है, दूसरे राज्यों पे ज्यादा है। सर यही मेरा क्लोजिंग रिमार्क रहेगा कि ये जो गृह शांति में जो कांग्रेस हाईकमान भिड़ चुकी है, गृह शांति का असर कर्नाटका से शुरू हुआ छत्तीसगढ़ पर पहुंचा, और अब छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ अब जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। इस गृह शांति से कांग्रेस को बड़ा फायदा होगा, और ये कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक है। छत्तीसगढ़ में कितनी सीट गृह शांति की पूजा की वजह से आएंगे अंदर, ये देखना अभी बाकी होगा। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ, हम कल लौटेंगे एक दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट आगम पांडे और मैं सुमीरा को हमें विदा करिए। हम आपसे दोबारा मिलेंगे छत्तीसगढ़ राउंड अप।